नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मी, खास करके वो संविदा कर्मी जिनका वेतन 10,000 से कम है, वो अपने पेट भरने के लिए बेहद परेशान रहते हैं और इस परेशानी में वो सभी संविदाकर्मी अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन वो किसी भी तरीके से सरकार के कामकाज में कतई लापरवाही नहीं बरतते हैं। सुबह समय से स्कूल जाना, सुबह समय से बिजली घर जाना, सुबह समय से सरकारी दफ्तरों में चले जाना, क्योंकि उनके दिमाग में बस एक ही सोच है कि हमें वेतन जरूर कम मिलता है लेकिन हमें अपना योग्य होने का प्रमाण पत्र देना हो। अनुदेशक जहां 100 बच्चों के लिए बाध्य है, शिक्षा मित्र वहीं ड्यूटी के लिए बाध्य है। जहां कोई भी समस्या आती है तो उसमें सबसे पहले सवाल इन संविदा कर्मियों से किया जाता है। मैंने सोचा, लगातार एक चर्चा होती है कि शिक्षा मित्र अनुदेशक की मुख्यमंत्री के सामने गलत प्रस्तुति कर दी गई है, तो प्रस्तुति कब दूर होगी? जब आपके क्रियाकलाप, आपके काम, आपके द्वारा दी गई शिक्षा की बातें मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचेंगी। उन बातों को पहुंचाने का कोई तो माध्यम होगा। उस माध्यम से जो आपके बीच की और उनके बीच की जो दूरियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा, यह है योगी की पाठशाला का काम। और उधर देश की सर्वश्रेष्ठ पाठशाला का जिक्र होते होते यह साबित हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का प्राथमिक शिक्षा में पढ़ाने वाला शिक्षा मित्र कितना योग्य है, ना कि अयोग्य। जो अयोग्य का तमगा आपके गले में पहना दिया गया है कि शिक्षा मित्र अयोग्य है, वो सिर्फ एक काम के लिए कि उसका मानदेय उतना ही रहेगा। शिक्षक की काउंटिंग होगी तो अनुदेशक और शिक्षा मित्र बताए जाएंगे कि मेरे पास इतने शिक्षक हैं। विधानसभा में शिक्षा मंत्री द्वारा, बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा जवाब दिया जाएगा। विपक्ष के नेता को बताया जाएगा कि हमारे पास इतने शिक्षक हैं। लेकिन जब वेतन का बिल बनेगा तो एक बिल 9,000 वाला होगा, एक 80,000 वाला होगा, एक 10,000 वाला होगा, एक 1,00,000 वाला होगा। सरकार बनी तो चर्चा हुई थी समान काम समान दाम, सबका साथ सबका विकास। अनुदेशक शिक्षा मित्र मेरे जिम्मेदारी, कुबेर का खजाना, जाने कितनी ढेरों बातें। मैं सवाल उन लोगों से कहता हूं जो बार बार कहते हैं कि शिक्षा मित्र फला विशेष दल के आदमी है, दल विशेष के आदमी क्या दूसरी सरकार में काम कर पाएंगे? सरकारी कर्मचारी किसी दल और विशेष दल का नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार का होता है, चाहे वो संविदा कर्मी हो चाहे वो, किसी की आवश्यकता नहीं है। मैं रोज आपसे कहता हूं जितना जल्दी जुड़ जाओगे उतना जल्दी सब कुछ हो जाएगा। प्रूव आपको करना है, इसमें कोई राजनीतिक विकल्प नहीं बचा है। बिजली विभाग ने हड़ताल की थी, आज हाई कोर्ट ने सबको आड़े हाथों ले लिया, कहा है कि जो नुकसान हुआ वो इनके वेतन से भरा जाएगा। अभी उसमें आदेश नहीं हुआ है, आदेश हो फिर हम आपको डिस्कस करेंगे, इसलिए हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते। मारा संविदा कर्मी जाता है, इसमें एक भी सरकारी कर्मचारी, उन्होंने कहा 670 FIR लिखी गई, कितने गिरफ्तार हुए हैं, पुलिस तलाश रही है संविदा कर्मियों को।
कल जो राय साहब कह रहे थे वो बड़ी बात थी, वही है अब सरकारी नेता, सरकारी कर्मचारियों के और उनके जो परमानेंट कर्मचारी उनके नेता हम नहीं पूछेंगे संविदा कर्मी कौन अरेस्ट होगा, कौन गिरफ्तार होगा, कौन जेल चला जाएगा। लगातार शिक्षा मित्रों की मौतें हो रही हैं। फोटो शेयर कर देने से, लिख देने से, क्या लगता है आपको कि आपकी बात ये सुनने को राजी है? ढेरों बातें हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे साथ इस सब पर बातचीत करने के लिए अनुदेशक के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ संतोष कुमार जी जुड़ चुके हैं। आप लोग अपना अपना कैमरा खोले तो मैं एक दूसरे का, संतोष सुभाष चंद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, योगेंद्र सिंह जी भी है हमारे साथ, हम सबका स्वागत करते हैं और एक एक करके सबके पास अभी पहुंचेंगे। कंचन मिश्रा जी आप भी अपना कैमरा ऑन करिए, फिर हम मेरा पहला सवाल शुरुआत में करता हूं संतोष कुमार जी से। संतोष कुमार जी, किस जगह आप पढ़ाते हैं, किस तरीके से आप शिक्षण का कार्य करते हैं? माइक खोलिए आप अपना पहले। माइक म्यूट है आपका, पहले माइक खोलिए उसके बाद बोलिए। अरे बाएं साइड में पहला बटन होगा, MIC लिखा है, उसको क्लिक करिए। दाहिने दबा दीजिए, बायां दबाना तो दाहिने दबा दीजिए। चलिए कोई नहीं, हम दूसरे से बात कर लेते, तब तक सुभाष चंद तिवारी जी से बात कर लेते हैं। सुभाष चंद तिवारी जी, ललित कुमार शुक्ला मेरी बात सुन पा रहे हैं? ललित कुमार शुक्ला जी, आप बोल रहे हैं? हेलो, आपकी भी आवाज नहीं साफ आ रही है, दोबारा एक बार जुड़ना पड़ेगा आपको भी। मेघराज जी आवाज सुन पा रहे हैं? मेघराज जी सर सुन पा रहे हैं, एक मिनट सर जी, आपसे ही शुरुआत कर देते हैं। मेघराज जी सर, विद्यालय में पढ़ाते हैं और किस पद पर कार्य रहते हैं, कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में और कैसे शिक्षित करते हैं? सर आप डिबेट में जुड़ने के लिए, दूसरे बार जुड़ने के लिए मौका दिया है आपको, धन्यवाद सर। बाराबंकी से मेघराज सोनी, ब्लॉक बनी कोडर, और ब्लॉक बनी कोडर से UPS अहमदपुर, हमारे यहाँ संख्या 207 है सर। अपने विद्यालय में हमने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, सरस्वती प्रतिमा बनाया है। अनुदेशक है कि शिक्षा मित्र हैं? अनुदेशक, अनुदेशक सर। हाँ तो ये बताइए, अनुदेशक कला अनुदेशक, कला अनुदेशक हैं सर। मैं अपने बच्चों को तन मन से कार्य करते हैं, बच्चों को क्राफ्ट सिखाते हैं मूर्ति के बारे में। अभी हमने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मैं गणेशपुर से एक सर्टिफिकेट आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं,
और मैं फर्स्ट जीत के आया हूँ। और हमने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, मगर एक यही एक आस रहती है कि कभी हम डिबेट देखते हैं तो यही एक मन में होता है कि कुछ नया होगा, मगर कुछ नहीं मिलता है सर। मगर हमें एक पूर्ण विश्वास है एक ना एक दिन हम जीत के रहेंगे। मेरा बहुत यानी इसे ऐसा लगता है कि हम कुछ हम जब बच्चों के लिए निस्वार्थ भाव से करते हैं, पैसा नहीं देखते हैं कब आएगा कब नहीं आएगा, हम ना किसी अपने संगठन के पूछते हैं कि पैसा आया कि नहीं आया, वो तो खाते बयान जो मिलेगा वो तो मिलने ही मिलना है, मगर बच्चों को हम क्या कर रहे हैं, बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। अभी हमने एक दिन सर 8:30 बजे विद्यालय पहुंचे, वहां के जो आसपास के हैं तो एक दादा हैं वहां आए और हमसे कहे मास्टर साहब नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार, तो उन्होंने कहा कि एक बार आप सपने में आए, आप बच्चों को बहुत अच्छा कार्य करते हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इतना लगाव है यानी ग्रामीण लोगों से। तो हमने कहा अब आप देख ही रहे हैं, तो आप जो चीज हम यानी वही कहते हैं कि अपनी बात कहने यानी हम अपनी बड़ाई कर रहे हैं, अपने मुंह बड़ाई कर रहे हैं तो बड़ा खराब लगता है। ये दूसरे से सुने, वहां के विद्यालय गांव में सुने, वहां के बच्चों से पूछें क्या करते हैं निदेशक, तब ये अच्छा लगेगा हमें। यानी हमारे पीठ पीछे जो बड़ाई होती है तो हमें खुशी मिलती है। चलिए अच्छी मगर 9-10 साल में सर अब क्या बताएं कि अब कैसे परिवार, दो बच्चे मियां बीवी माँ बाप सब लोगों का सर, अब हमारी एक ये होता है कि हम बाप से मांगे, बाप के बाप तो एक बड़ा लड़का हो जाता है तो एक आस होता है कि मेरा बड़ा लड़का अब समझदार हो गया है। कहते कहावत कही गई है कि बाप और पुत्र के पैर में जूते आ जाए तो बड़ा यानी एक एहसास होता है कि हमारा बेटा बहुत बड़ा हो गया है। बहुत तकलीफें हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल तकलीफें बहुत हैं, फिर बहुत तकलीफ है सर। बिल्कुल बिल्कुल मेघराज जी मैं आऊंगा आपके पास, मैं सीधा आगे बढ़ता हूँ। योगेंद्र सिंह जी किस पद पर कार्यरत हैं, किस जिले में तैनात हैं और क्या किस तरीके से अपने बच्चों को तैयारी कराते हैं? ये तो सबको पता है कि 9,000 अनुदेशक को मिलते हैं 10,000 और परेशानियां सबके घर में हैं। जब आप अपने विकल्प बताओगे कि हम ये करते हैं, हम इस तरीके से बच्चों को शिक्षित करते हैं तो सरकार तक बात पहुंचेगी, ये तो सबको पता है कि सारी जिम्मेदारियां, ये जिम्मेदारी निर्वहन करने के लिए ही तो ये लड़ाई है कि हम इतना करते हैं मिलता क्या है। हम पूरे दिन बच्चों को शिक्षित करते हैं, डेली घर से निकलते हैं, एक कुशल श्रमिक का वेतन नहीं मिलता, या कुशल की तो बात छोड़ दिया, कुशल श्रमिक का भी वेतन नहीं मिलता है। और जब अकुशल श्रमिक का वेतन न मिलकर और उसके माध्यम से देश के उस होनहार बच्चों को तैयार किया जाएगा, उस पौध को तैयार किया जाएगा जो बताया जाता है कि देश के कर्णधार यही है, इन्हीं के ऊपर देश टिकेगा, किस ओर ले जा रहे हैं हम अपनी परिपाटी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति कहते थे कि किसी देश को बर्बाद करना है तो उस देश की राष्ट्र की प्राथमिक शिक्षा को बर्बाद कर दीजिए, देश अपने आप सोते धीरे धीरे समाप्ति की ओर चला जाएगा। हमारे ही देश का राज्य केरल जहां शिक्षा साक्षरता की दर सबसे उच्च होती है, साक्षरता दर सबसे ज्यादा होती है, हमारे देश में राज्य है उत्तर प्रदेश, हमारे देश में राज्य है बिहार, हमारे देश में राज्य है झारखंड बंगाल, चले जाइए साक्षरता दर का आकलन कीजिए। लेकिन जिस तरीके से प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय में नायाब लोग काम करते हैं, वो शिक्षा को कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं अगर उन्हें भरपेट भोजन मिल जाए। सवाल पेट भरने का है, पेट की लड़ाई है और इस पेट की लड़ाई में मारा जा रहा है इस देश का वो नौनिहाल जो आने वाले समय में इंजीनियर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, मास्टर बनेगा, कोई कोई कंडक्टर भी बनेगा, ड्राइवर बनेगा, दुकानदार भी बनेगा, लेकिन बिन शिक्षा सब सून, पहले बिन पानी सब सून, पानी तो बोतल में बिकने लगा और बिन शिक्षा सब सून, शिक्षा अब कॉन्वेंट स्कूल में बिकने लगी
और उस बिकने वाली शिक्षा में सभी लोग माफियाओं का साथ देते हैं। एक स्कूल खोलता है, फिर वो डिग्रियों के स्कूल खोलने लगता है, और जब सरकार के पास नौकरियां नहीं है तो डिग्रियों की मान्यता क्यों दी जाती है? पहला सवाल। किसान अपनी खेती गिरवी रखता है, अपनी पत्नी के जेवर गिरवी रखता है, उसके बाद अपने बच्चों को पढ़ा के इस बात पे आता है कि मेरा बच्चा पढ़ जाएगा तो मेरी लाठी का सहारा बनेगा। आज डिग्रियां रखे थैले में घूम रहे हो, आपने एमए कर लिया, बीए कर लिया, बीएड कर लिया, बीटीसी कर लिया, टेट कर लिया, टेट सुपर टेट कर लिया, आप अपने बच्चे की फीस भरने की हैसियत नहीं रखते हैं। मां बाप के इलाज की तो बात की बात है। आप बच्चों को पढ़ा के जाते हैं, शाम को आपका बच्चा आपसे एक बुक के लिए कहता है तो भी आपके पास 2 रुपए नहीं होते कि उसे पेंसिल और कटर दिला देते। 300 रुपया पाने वाला व्यक्ति क्या परिवार के खर्चे की बात करता है? कौन है वो लोग? कौन है वो मानवीयता के स्तंभ? हम देश को विश्व गुरु बनाने की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन एक पीढ़ी को खत्म करते हुए चले जा रहे हैं, और लोग इस मजाक में, इस सिस्टम में तालियां पीटकर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, बधाइयां देते हैं, लेकिन क्या अपने ही सिस्टम को और अपने ही बात को सत्ता, सरकार, सब कुछ आपके माध्यम से जनरेट होती है? और जब आपके शेयर की बात आती है और आप 5 किलो राशन में खुश हो जाते हैं, आप 2000 किसान सम्मान निधि में खुश हो जाते हैं, कभी कभी तो आप लोन माफी में खुश हो जाते हैं, कभी धर्म की बेड़ियों में जकड़ दिए जाते हैं, कभी जातीयता के दंश में जकड़ दिए जाते हैं, अभी आपने सोचा है कि जब हमारी पीढ़ी, आप चलिए आप 300 रुपया भी पा रहे हैं, आपका आने वाला बच्चा 200 रुपया की भी नौकरी नहीं मिलेगी, कभी आपने इस पर चर्चा की है? कहने को बहुत कुछ है। हमारे साथ आदरणीय सुरेंद्र दुबे जुड़ चुके हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और योगेंद्र सिंह जी, जी मेरा सवाल आपसे, जी मिश्रा जी नमस्कार, आपने अपने इस प्रोग्राम में हमें अपना पक्ष रखने का, अपनी पीड़ा रखने का, अपनी बात रखने का अवसर दिया, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और आपका जो मंच है, निश्चित रूप से हम लोगों की पीड़ा को सरकार के समक्ष, आम जनमानस के समक्ष रखने का एक सशक्त माध्यम है, जिसका हम लोग पूरा, हम लोगों को अपनी बात यहाँ रखनी चाहिए, सभी लोगों को, चाहे शिक्षा मित्र हो, अनदेशक हो या जो अन्य समुदाय कर्मी हो, आपका जो मंच है हम लोगों की पीड़ा रखने का सबसे अच्छा माध्यम है, और निश्चित तौर पर आपके माध्यम से हमारी बात सरकार तक, जनमानस तक और सभी पक्ष विपक्ष के नेताओं तक जरूर पहुंचेगी। सबसे पहले मैं सभी सम्मानित जो हमारे अतिथि लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सदस्य साथी लोग जुड़े हुए हैं, मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम योगेंद्र सिंह परमार है, मैं शिक्षा मित्र पद पर कार्यरत हूँ, प्राथमिक विद्यालय नीमखेड़ा ब्लॉक बार जिला ललितपुर में कार्यरत हूँ। मेरी प्रथम नियुक्ति 16 दिसंबर 2002 को शिक्षा मित्र के पद पर हुई थी। लगातार अपनी जो भी योग्यता हमारी थी, जो भी हमारी दक्षताएं थी, जो भी हमारे अंदर टैलेंट था, उसका भरपूर हम लोगों ने प्रयोग करते हुए, उस स्थिति में जब प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति, अध्यापकों से, अध्यापकों की स्थिति बहुत कम संख्या थी, उस समय प्राथमिक शिक्षा का खेवनहार अगर कोई था तो केवल और केवल शिक्षा मित्र। बराबर हम लोग 2001 से जब भर्तियां हुई, बराबर शिक्षा मित्र प्राथमिक शिक्षा को संभाले रहा, विभाग ने भी समय समय पर विभिन्न माध्यमों से हम लोगों की प्रशंसा की कि आज प्राथमिक शिक्षा में शिक्षा मित्रों का अच्छा खासा योगदान है। समाज के विभिन्न वर्गों ने भी हम लोगों की भूरी भूरी प्रशंसा की, मीडिया के समस्त आप लोगों ने, सभी मीडिया बंधुओं ने भी, आम जनमानस ने भी हम लोगों की भूरी भूरी प्रशंसा की कि आज प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, इस समय शिक्षा मित्र बहुत अच्छी सेवाएं दे रहा, बहुत अच्छा योगदान है। विभाग के अधिकारियों ने भी खुले मन से विभिन्न कार्यक्रमों में हम लोगों की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की। हम लोग अपने भविष्य को ले, क्योंकि हम लोगों को भले ही जब चयन हुआ, उसके जो योग चयन का मानक रखा गया था कि इंटरमीडिएट लोग भर्ती, जो इंटर उससे उच्च शिक्षा लिए होगा वो शिक्षा मित्र पद पर भर्ती होगा, लेकिन अगर आप पूरे आंकड़े देखें, पूरा विवरण देखें, तो तारीख में पूरा 99% शिक्षा मित्र
ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट और तमाम उच्च डिग्रियां धारक है और हम लोगों के प्रति एक नकारात्मक माहौल बनाया है कुछ लोगों ने कि ये लोग तो इंटर पास है, जबकि ऐसा बिल्कुल गलत है। सभी लोग ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं। लगातार हम लोग अपनी सेवाएं प्राथमिक शिक्षा में दे रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे। जैसे ही हम लोगों का जो है प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ दूरस्थ बीटीसी के माध्यम से, हम लोग जो अप्रशिक्षित थे प्रशिक्षित हुए। इसके बाद सपा सरकार के समय हम लोगों का 2014 में प्रथम बैच का समायोजन हुआ, हम लोग समायोजित होकर शिक्षक बने। बस वहीं से हम लोगों के खिलाफ समाज के कुछ लोगों की, कुछ नेताओं की मानसिकता बदल गई। जब तक हम लोग 3500 रुपए के शिक्षामित के रूप में कार्यरत थे, तब तक समाज के सभी वर्गों को, अधिकारियों को, सब लोगों को शिक्षा में बहुत प्रशंसा के पात्र दिखते थे, बहुत अच्छा उनका काम अच्छा दिखता था। लेकिन आपको बताते हुए हमें कष्ट भी हो रहा है और दुर्भाग्य की भी बात है कि जैसे ही हम लोगों का समायोजन हुआ, हम लोगों को 39-40 हजार वेतन मिलना प्रारंभ हुआ, हमारे ही गांव के कुछ विरोधी लोग जिन्हें हम लोगों से के चयन से हम लोगों को दिक्कत थी या जो हमारे विरोधी थे उन लोगों को हुई, कुछ अन्य लोगों को समस्या हुई, उन लोगों ने जो है इस तरह का प्रोपेगेंडा बनाया और कुछ लोग कोर्ट चले गए। जब मामला कोर्ट में पहुंचा, हम लोगों को जैसे हमारे एक कार्यक्रम में हमारे एक भाई ने बताया था, अवस्थी जी ने, कि अगर सरकार, हम लोग सोचते थे कि डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, हम सभी शिक्षा मित्रों की ऐसी मानसिकता सबकी सोच बन गई थी कि अगर केंद्र में प्रदेश में अगर एक ही सरकार होगी तो निश्चित तौर पर जो दो सरकारों का टकराव होता है उससे हम लोग बचेंगे। तो 2017 में सभी शिक्षा मित्रों ने, सभी संविदा कर्मियों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन किया और माननीय योगी की जी नेतृत्व में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। हम लोगों को काफी उम्मीद थी, निश्चित तौर पर अब हमारी जो समस्याएं हैं उनका निदान होगा, लेकिन हमारी जो सोच थी परिस्थितियां बनी। और मैं तो आपके माध्यम से स्पष्ट तौर पर कहूंगा कि कहीं ना कहीं कुछ अधिकारियों ने जो कि दूषित मानसिकता रखते थे, उन्होंने माननीय योगी को और जो भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता हैं उनको बरगलाया, हम लोगों के प्रति गलत मानसिकता बनाई, उनको भ्रमित किया, सरकार को भ्रमित किया कि ये तो सपा के एजेंट हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कोई भी कर्मचारी हो, हमेशा कर्मचारी सरकार का होता है, हम सरकार के अधीन होते हैं। कोई भी सरकार रहे, चाहे मायावती जी की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश जी की सरकार रही हो, चाहे वर्तमान में माननीय योगी जी की सरकार हो, निश्चित तौर पर कोई भी कर्मचारी हो वो सरकार के अधीन होता है, सरकार का होता है। लेकिन कुछ अधिकारियों ने हम लोगों के प्रति एक गलत मानसिकता बनाई और वो सरकार के समक्ष रखी कि ये तो सपा के एजेंट है, कोई भी सरकार निकालती है तो ये थोड़ी होता है कि उसकी चहेते लोग उसमें भर्ती होते हैं। समाज के सभी वर्ग, जो भी जिस वर्ग से आता है, जो योग्य होते हैं, वो उनको मौका मिलता है। लेकिन हम लोगों के प्रति एक नेगेटिव बात रखी गई। अधिकारियों ने कोर्ट में कमजोर पैर भी की, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा, हम लोगों का समायोजन नष्ट हुआ। सबसे बड़ी पीड़ा की बात हम लोगों को ये लगती है, आपके माध्यम से बताएं मिश्रा जी, सबसे ज्यादा पीड़ा होती है, सबसे ज्यादा तकलीफ जो हम लोगों को होती है, पूरा निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, मात्र 10,000 रुपए के मानदेय पे, जिसमें अपना परिवार चलाना मुश्किल होता है, फिर भी हम लोग आज 25 जुलाई 2017 से लेके और आज तक शिक्षण कार्य कर रहे हैं। लेकिन तकलीफ कब होती है, जब चाहे सदन की बात हो, चाहे आपके मीडिया के माध्यम से बात हो, जब भी सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं, जब वो बात रखते हैं या सरकार के जो प्रवक्ता होते हैं, वो एक रटी रटाई बात बोलते हैं कि पिछली सरकार ने गलत किया, गलत नीति बनाई। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि चलो मान लिया सपा सरकार में जो भी नियमावली बनी या जो संशोधन हुए या जो शासनादेश हुए उनमें कहीं त्रुटि थी, हम लोगों को नहीं पता, हम लोग इतने ज्ञानी नहीं है कि सरकार की नीतियों की हम लोग समीक्षा करें, वहां बड़े बड़े लोग बैठे हैं, विद्वान लोग बैठे हैं। अगर कहीं उस समय जो नियमावली बनी समायोजन की, अगर उस समय कोई कमी थी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में थी, उनको उस समय उस पर उस मुद्दे को उठाना चाहिए था कि आप ये जो नियमावली बना रहे हैं या आप जो ये शासनादेश जारी कर रहे हैं इसमें त्रुटि है, तो निश्चित तौर पर उसमें सुधार होता। लेकिन उस समय हमारे माननीय भाजपा के जो विधायक हैं, जो नेता हैं, उन्होंने उस बात को नहीं रखा। ठीक है, उस समय हम लोगों का समायोजन हो गया, जब समायोजन हो गया उसमें कोई कमियां थी,
आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हर मंच पर इस बात को रटी रटाई बात को कहते हैं कि वहां नियमावली गलत बनाई गई, शासनादेश गलत बनाए गए, जिसके कारण समायोजन नष्ट हुआ। तो आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय योगी जी से, माननीय भाजपा के जितने भी नेतागण हैं, मंत्री है, सभी सिख परिवार से, जितने भी हमारे अनुदेशक भाई हैं और उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में जो भी संविदा कर्मी है, उन सभी की ओर से हाथ जोड़ के निवेदन रहता हूं कि मैं मानता हूं कि अगर जैसा आप लोग कई शासनादेशों के तहत हम लोगों का समायोजन किया, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि आज वो शक्ति आपके पास है, बहुमत की सरकार है, आप उसमें सक्षम है। आपसे निवेदन आप उसमें सक्षम है, तो आपसे विनती है उनको संशोधन करके हम लोगों के भविष्य को सुरक्षित करिए, हम लोगों पर दया करिए। और आप तमाम संशोधन कर रहे हैं, आप शहरों के नाम बदल रहे हैं। ठीक है योगेंद्र सिंह, आपकी बात बिल्कुल हमारे पास आई, संशोधन करिए, कैसे भी हमें हमारी जान बख्श दीजिए। जो लोग रोज लगातार की मौत हो रही है, मौत रोक लीजिए, संशोधन कर लीजिए, मरने वालों की संख्या रोक दीजिए। हमारे साथ आदरणीय सुरेंद्र जी जुड़ चुके हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दो तीन चार लोग अब तक अपनी बात कह चुके हैं और मीडिया जगत के स्तंभ रह चुके हैं। ये दौर शायद उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखने को मिला होगा। एक खबर लिख देते थे तो सरकारें हिल जाती थी कि हाँ ये बात ठीक है। आज 1.5 साल में नहीं हम हिला पा रहे हैं और उसके कई कारण भी हैं और किसी को दोष देना भी ठीक नहीं है। हालांकि कई जगह हम हिला चुके हैं, कई बातें भी मनवा चुके हैं और आने वाले टाइम में भी मनवा के ही मानेंगे। रोज की आवाज करने से, वो जो एक पक्षी होता है जिसकी चोंच में नोक होती है, वो रोज लकड़ी काटता है और एक दिन लकड़ी काट देता है। हम उसी तरीके से काम कर रहे हैं, एक दिन लकड़ी काट के मानेंगे, पेड़ में सुराख बना के मानेंगे, इसमें कोटर बना के मानेंगे, उसमें रहने की जगह भी बना के मानेंगे, नाराजगी मुख्यमंत्री के दिल से निकाल के मानेंगे, अनुदेशक क्या दिला के मानेंगे, हमको उनके साथ आना पड़ेगा। ये जो सोशल इंडस्ट्री है, सोशल इंडस्ट्री से कई फायदे हुए हैं, कई नुकसान भी हुए हैं। व्हाट्सएप ज्ञान जो नया शुरू हुआ है, उसने समाज का बड़ा नुकसान किया है। कुछ भी लिख दीजिए, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। अब आप सफाई देते रहिए, हो सकता है 4-6 कमेंट आपके खिलाफ भद्दे आएंगे। कई लोग तो ग्रुप्स में ऐसी बातें लिखते हैं जिन्हें खुद ABCD पता नहीं है सरकार क्या करने जा रही है। अरे नंदू सिस्टर का बात कर लें। सुरेंद्र सर, सबकी बात सुनने के बाद नतीजा वही रहता है। हम ये कह रहे हैं, सब लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि आप अपनी शिक्षा के बारे में बताइए, अपने कार्यकलाप बताइए, क्या करते हो 8 घंटे में, उससे थोड़ा सा असर पड़ेगा। वरना यही तो हम करते आ रहे हैं, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। सरकार करती है, सरकार होती है, तभी तो कहते हैं। उनके ये जो हमारे भाई बहन जो जुड़ते हैं और ये जो सीरीज हम लोगों ने योगी पाठशाला शुरू की, इसमें एक्चुअली हमारी अपेक्षा आप लोगों से अपना दुख दर्द बताने की नहीं थी, वो हम लगातार बता रहे हैं। हमें चाहते थे कि आप अपना हुनर बताएं कि पत्थर से कैसे आप मूर्तियां बनाते हैं। तो पहले मैं इस पर एक रूपक दे दूं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। वो मूर्तिकार जो उबड़ खाबड़ पत्थर लेकर के और छेनी हथौड़े से भगवान को कभी उजागर कर देता है, कभी किसी वैज्ञानिक को उजागर कर देता है, कभी किसी देवता को उजागर कर देता है, और वो मौन पत्थर बोलने लगते हैं। क्योंकि विडम्बना क्या है कि जो मूर्तिकार है उसको पत्थर उठाने वाले से भी कम वेतन मिलता है। अच्छा, 400 रुपए पर डे मजदूर का वेतन, तो 400 पर डे का मतलब हुआ 12,000 और आप दोनों में जो दो वर्ग इस समय आ रहे हैं, इनमें कोई भी 12,000 रुपए नहीं पाता। ये बात हम लोग जितने ढंग से कह सकते हैं। आप लोग बहुत बाद में जुड़े हैं, पिछले साल हम लोगों ने
माननीय ब्रजेश पाठक जी से बात भी कराई थी और तब तमाम संगठन आते थे। अब कुछ संगठन निराश हो गए और मैं उनकी कोई आलोचना नहीं करता, ठीक है, थक गए होंगे, वो फिर आएंगे, हम फिर उनका स्वागत करेंगे। आप लोगों को जोड़ने का अलग अलग, एक तो आप स्वयं आके महसूस करें, पार्टिसिपेट इन योर ओन हाइलाइटिंग योर ओन प्रॉब्लम, तो आपके अंदर जो अपनत्व पैदा हो वो पैदा हो। दूसरा, आपको ये बेसिकली बताना है कि कैसे हम छोटे बच्चों को किस नायाब तरीके से पढ़ा रहे हैं, आपके जो बच्चे हैं उनमें वो कहाँ कहाँ नाम कमा रहे हैं, ताकि ये बात जनता में जाए और जो अन्य चैनल्स हैं वो भी इसकी ओर आकर्षित हो और आपको सुनने और दे। मैं समझता हूँ कि अभी भी देखिए आप लोग ढूंढिए तो ऐसा नहीं, आप लोग खुद भी मालूम होगा, लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी व्यथा और कथा कहते रहेंगे तो कथा हम लोग कह रहे हैं, ये सत्यनारायण की कथा हम लोग पूरे 1.5 साल से कह रहे हैं। आप हमें ये बताइए कि आपने अपने बच्चों को पढ़ाने का कोई नया तरीका निकाला हो, आपके बच्चे जिनको आप पढ़ा रहे हैं कोई पुरस्कार जीते हो, खेल बहुत अच्छे हो, निपुण भारत में कितना निपुण कर पा रहे हो बच्चों को, निपुण भारत, भारत सरकार की जो योजना चल रही है, तो वाकई निपुण बना पा रहे हो कि खाली कहने के लिए निपुण? देखिए शब्दावली तो कुछ भी बना देंगे आप, निपुण बना दे या अनपढ़ बना दे जो भी है, लेकिन क्या कोई निपुण भारत आप गढ़ रहे हैं? ये हमारा मकसद था। बाकी ठीक है, आपको अगर अपनी व्यथा कथा सुनानी है तो आपको रोक नहीं सकते। जी नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, जब आप अपने हुनर बताओगे तो हुनर को हम बाकायदा, जितने भी हुनर के बातें आती हैं और कुछ समस्याएं ऐसी आती हैं उन्हें आप खुद ही अपने आप ऑटोमेटिक वायरल होने लगता है, किसी को करने की जरूरत नहीं है। लोगों तक ज्यादा से ज्यादा ये बात पहुंचनी चाहिए, शिक्षा मित्र अनुदेशक का काम क्या है स्कूल में। एक बड़ी नेगेटिव बात सरकार की निगाह तक जो मैंने समझी है अब तक पहुंची है कि अनुदेशक और शिक्षा में सिर्फ और सिर्फ नेतागिरी करता है, और इसे कौन दूर कर सकता है? इसे आप जब अपने कार्यकलाप के बारे में चर्चा करोगे तो आप ही दूर कर सकते हो। आपके अधिकारी अगर दूर करते तो क्यों ये नौबत आती? मैं कल एक लेटर देख रहा था, उस लेटर में एवीएसए ने जब लिखा कि शिक्षा मित्र निपुण भारत को, निपुण योजना को आगे ले जा रहा है, तो टीचर एक भी काम नहीं कर रहे हैं। अब उस लेटर को ऊपर तक पहुंचाए कैसे? मैंने बेसिक शिक्षा मंत्री को भेजा, मैंने महानिदेशक जी को भेजा, ये काम मैं कर सकता हूं। मैंने मुख्यमंत्री जी को चेक किया कि देखिए ये लेटर, यही तो पहुंचे की बातें। तो उसी के लिए आपसे भी अनुरोध है कि अपनी समस्याओं के साथ साथ ये भी बताइए कि बच्चों को नया करने के लिए कितने ज्यादा बच्चे हैं आपके पास, कितने शिक्षक हैं, और किसी शिक्षक की भी आलोचना मत करिए। उस शिक्षक की आलोचना करने से भी आपका कुछ नहीं भला होने वाला है। आपको अपना हुनर बताना है। हमें तो मालूम है कि शिक्षा मित्र अनुदेशक के साथ उसके स्कूल का क्या रवैया रहता है। अगर पूरे ऑल ओवर उत्तर प्रदेश की चर्चा करेंगे तो 60-40 का रेशियो मिलेगा। 40% स्कूलों में व्यवहार समय, 60% स्कूलों में व्यवहार सम नहीं है, सम व्यवहार वाले कम भी स्कूल निकलेंगे। कई स्कूलों में शिक्षा मित्र अनुदेशक अकेले ही खींचे जा रहा है गाड़ी। ये चीजें लोगों तक जाए तो कि कितने ऐसे स्कूल हैं, कितने ऐसे शिक्षक हैं। दूसरे, 20 वर्ष पढ़ाने वाले, 2000 से आप लोग पढ़ा रहे हो, 2002 से पढ़ा रहे हो, 1 से पढ़ा रहे हो, 3 से पढ़ा रहे हो, मैक्सिमम 5 तक, 5 के बाद शिक्षा मित्र शायद नहीं आया है नई भर्ती में। इतने के बावजूद, इतने अच्छे 20 वर्ष के एक्सपीरियंस को लेकर भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। रोज कह दिया जाता है भर्ती में समायोजन होगा कि इसमें होगा, ऐसे कला करो तो ऐसे होगी। मैं व्हाट्सएप पढ़ता रहता हूँ, ज्यादातर ग्रुपों ने जोड़ रखा है तो मैं लिखता किसी पे कुछ नहीं हूं, लेकिन मैं जो कमेंट देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है। आप पढ़े लिखे लोग, आप सोचते क्या हो, लिखते क्या हो? एक व्यक्ति लिख देता है उसमें 250 लोग टूट पड़ते हैं, 200 बचाव में आ जाते हैं, 10 उसे नेगेटिव साबित करने पर तुल जाते हैं, 10 सवाल पर तुल जाते हैं। आप ये मान लीजिए आपके ग्रुप्स के मैसेज से विजय किरण आनंद जी का ट्रांसफर हो जाता है, इतने आप होशियार हो,
और आप कह रहे हो कि हम सरकार से अपना हक ले लेंगे और लोग बधाइयां दे देते हैं। यानी कौन गणेश कुमार जी है, वो नए महानिदेशक बन गए थे सोशल मीडिया में, हर व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रहे थे वो। मैं समझ ही नहीं पाया कौन से नए आईएएस आ गए कि पीसीएस आ गए, कौन है। मैंने फोन किया तो पता लगा कि विजय किरण जी महानिदेशक है, कोई चेंजिंग नहीं हुई है। तो अब आप अंदाज लगा लीजिए कि आप कितना झूठा दिन भर वायरल करते हैं और उस पर दिमाग को परेशान करते हैं, पजल होते हैं, दुखी होते हैं मन में। किसी से कहने की जरूरत नहीं है। संतोष कुमार जी, पहले आपकी आवाज नहीं आ पाई। संतोष कुमार जी, हेलो जी। हाँ सर, हेलो, मैं संतोष कुमार। दो संतोष हैं, हमें तो क्लियर ये करना पड़ेगा कौन से संतोष। सर मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही, बिल्कुल, आप ही बोल लीजिए पहले। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आप बोलिए। हेलो बोलिए, आवाज सर आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही है, आप बोले तो। सर मैं कंपोजिट विद्यालय, सर मैं कंपोजिट विद्यालय छुट्टा पुरवा गंज मुरादाबाद उन्नाव से बोल रहा हूँ सर जी। पहली पोस्टिंग हमारी आई 13 को कंपोजिट विद्यालय गैरपुरवा में। जब मैं पहले वहां गया था वहां 8-10 बच्चे मिलते थे मात्र, मैंने वहां पे बच्चे कर दिए 130। और उसके बाद में पहली प्रतियोगिता में, योगा की प्रतियोगिता में स्टेट चैंपियन रहा सर मैं 2005 में, स्टेट चैंपियन योगा में 2-3 बार मंडल चैंपियन रहे। उसके बाद हमारा ट्रांसफर यहाँ कर लिया में 9 से सर। वहां बच्चे थे 85 जम्मे, तो पहले से 101 दे दी रखा था, तो मैं वहां पे हमारा ट्रांसफर हो गया। आज की डेट में वहां पे 230 बच्चे हैं। और सर पहली बार मैं जिला, फिर मंडल, फिर स्टेट, अभी तारीख 13-15 लखनऊ में हुई थी बाल किला प्रतियोगिता, स्टेट चैंपियन योगा में आया हूँ सर। सर ये इतना कठिन परिश्रम करने के बाद। हेलो जी, सुन रहा हूँ। हेलो, मेरा कठिन परिश्रम करने के बावजूद, हाँ सर, मेरे इतना कठिनाई यहाँ आज तक अपने जब बताता सर, ये मतलब इतना यहाँ तक मैं होली तक छुट्टी तक नहीं ली कि मेरे बच्चे स्टेट चैंपियन बन जाए। मेरी एक भी छुट्टी नहीं है, चाहे संडे हो या हो, जब सर प्रतियोगिता होती है तब मैं कोई भी छुट्टी नहीं लेता हूँ। सिर्फ एक ये जुनून होता है कि मेरे बच्चे स्टेट चैंपियन बन जाए। 2 बार स्टेट चैंपियन रह चुका हूँ 2000। और मेरा बिजनेस इतना अच्छा चल रहा था सर, मेरा भूसी का सप्लायर, मैं अलीगढ़ फरीदाबाद 70-80 हजार रुपये। चलिए आपका नेट में सर, जैसे ही फिर आप संपर्क में आएंगे जो भी था आज नहीं। क्या सर आपका नेट गड़बड़ कर रहा है, तो आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। दोबारा फिर आपको मौका दूंगा, दोबारा फिर आऊंगा आपके पास, मैं दूसरे संतोष कुमार जी की बात सुन लूं। नेट गड़बड़ कर रहा है आपका थोड़ा सा। संतोष जी जल्दी से आप अपनी 2 मिनट में बात कहिए जी। हेलो जी, हेलो जी, बोलो। आदरणीय आदरणीय सुरेंद्र सर, शिव कुमार सर को सादर प्रणाम, यहाँ पे सभी पैनल में बैठे हुए सभी भाइयों को नमस्कार। आपसे सर, मैं संतोष कुमार, यूपीएस पेपरहरी क्षेत्र तिनवारी जिला बांदा में पोस्टेड हूँ मैं। जब सर हम भर्ती में 11 जुलाई 2013 में जब भर्ती हुए थे तो वहां पे सर संख्या थी 115। जब सर हम लोग वहां पे 115 थी सर, हम विगत वर्षों से काम करते करते अब इस समय हमारी संख्या 235 है सर। हमारे समय में एक प्रतियोगिता हुई थी, ओपी त्रिपाठी सर थे, मिशन पहचान चली थी उस समय। अब पूरे जिले में 3 बच्चे हमारे यहाँ के आए थे, प्रथम, सेकेंड, थर्ड, जिसमें सर यहाँ तक ओपी त्रिपाठी सर थे जो हमारे यहाँ के बीएसए बांदा थे,
उन्होंने आदर्श इंटर कॉलेज बांदा में बच्चों को बुलाया गया, कहा कि ये कॉन्वेंट के बच्चे हैं, जबकि हमारे यहाँ पे दो शिक्षक थे, तीन अंधेशक थे। सभी लोगों ने मेहनत किया और सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर मेहनत किया, जिससे तीनों बच्चे हमारे जिला मंडल तक पहुंचे। लेकिन उसमें ये हुआ कि हम लोगों ने मेहनत किया, मेहनत करने के बाद नए नए तरीके से पढ़ाया गया, खेलों में भी सर मैं मंडल तक पहुंचा लेके बच्चों को, यहाँ तक कि हमारे बच्चे ये भी कहते हैं। सर आपको एक बात और बता दूं, हमारा विद्यालय 9 से 3 बजे तक का है, इतना टाइम हो जाता बच्चे कहते स्कूल से छुट्टी मत करिए सर, यहाँ तक इतना बच्चे रुचि लेते हैं हमारे। सरकार पता नहीं हमारी बातों को समझ नहीं रही या हमारी मेहनत को नहीं समझ रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसी बात से सर एक चीज और कहूंगा, जब हम भर्ती हुए थे तो कहीं कहीं हमारे अंदेशक भाई जहां हुए तो वहां 100 बच्चे भी नहीं, तो वहां भी उनकी पोस्टिंग हुई थी। सर दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ट्रांसफर की सहूलियत अगर कर दें बहुत अच्छी। हमारी एक बहन है नेहा जी, वो इतनी परेशान है कि कहीं 2 महीने यहाँ रहती हैं तो कहीं यहाँ 2 महीने रहती है, उन्हें सैलरी से कोई मतलब ही नहीं, मानदेय से कोई मतलब ही नहीं रहता, इतनी परिश्रम है कि वहां तक उनके घर में रोज का झगड़ा होता है। अनुपात में हमको सरकार कहती शिक्षक बराबर हैं, लेकिन हम लोग शिक्षा में तो अंदेशक कुछ नहीं है। और कोई भी अगर कोर्ट कुछ भी कह दे तो सरकार उस पर त्वरित कार्रवाई करती है, और जब कोर्ट करती है तो सरकार कार्रवाई नहीं करती हमारे 17,000 मानदेय मुद्दे में। समय से मानदेय नहीं आना सर, 50 किलोमीटर जाता हूँ सर, 50 किलोमीटर आता हूँ वापसी, और समय से मानदेय नहीं मिलता, इस पर भी अगर कोई कार्रवाई हो तो हम लोग के लिए बड़ी विनम्र की बात सर। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ सर कि अगर सरकार इतना समझे कम से कम ट्रांसफर तो कर सकती है, ताकि हमारी महिलाएं बहनें अपने ससुराल में पहुंच सकती हैं, उनके लिए सहूलियत हो, उनके बच्चों के साथ में अपने पति और बच्चे और ससुराल के पास रह सकें, उनका कोई झगड़ा ना बढ़े, इतना तो सर सरकार कर सकती है। इसमें कोई पैसे देने की तो बात नहीं है सर, आपके माध्यम से इतना आप कह रहे हैं, सरकार पता नहीं क्या सोच रही सर। हमें तो बड़ा दुखी होता है वो बहन जब रोने लगती है, हम कहते थे आप परेशान न होइए, आप इसी तरह से मेहनत लगन से काम करिए, एक दिन जरूर होगा, और आपका आशीर्वाद और सुरेंद्र सर का आशीर्वाद से जरूर हम इस मुकाम को पाएंगे, यही हमारी बात आपके सामने रखना था। बिल्कुल संतोष जी, आपको बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कम से कम हम भी लगातार बातचीत कर रहे हैं और लगातार विक्रम सिंह भी अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग में क्या दिक्कत आ रही है। अब इसी को सरकार कहते हैं। सरकार किसे कहते हैं? जो किसी की न सुने, किसी की बात का कोई कार न करे उसे सरकार कहते हैं, जो सर के ऊपर से निकल जाए उसे सरकार कहते हैं, लेकिन करना सरकार को होता है। लगातार मैं देख रहा हूं कि अपनी अपनी बात सब कहते हैं, अपने अपने हुनर बताते हैं, अपनी अपनी बातें करते हैं, लेकिन सरकार में बैठे लोग खूब जानते हैं। आपने जॉली LLB फिल्म देखी है, उसमें जज साहब जब कहते हैं कि मैं खूब जानता हूं कि कोर्ट में बैठा इस कुर्सी पर व्यक्ति महसूस करता है कि कल आएगा, परसों आएगा, एविडेंस परसों आएगी, कल आएगी, लेकिन नहीं आती है, वो तारीख पे तारीख देता जाता है। आज एविडेंस आई है, निर्णय तो आज ही होगा। जब इस कंडीशन में मसला फंसता है तब फिर कुछ होता है। संतोष मैं लाऊंगा तुम्हारे पास, मैं पहले कंचन मिश्रा की बात सुनूंगा। कंचन जी, उस दिन भी आप जुड़ी थी तो प्रोग्राम को बिल्कुल भावुक कर दिया था। आज मैं पूछूंगा जिस विद्यालय में पढ़ाती है उसमें कितने बच्चे हैं? उस दिन आपने बड़े कटाक्ष मारे थे हम पर भी, सरकार पर भी, जितना सिस्टम था सब पर। मैं जानना चाहता हूँ जी सर, विद्यालय में 2005 में मेरी नियुक्ति हुई है। मैं अक्टूबर में ट्रेनिंग नवंबर में की हूँ और 5 दिसंबर को मैंने ज्वाइनिंग किया। उस समय भी हमारे यहाँ बच्चे लगभग 100 कुछ अबव थे, आज के डेट में 280 बच्चे हैं। सर उपलब्धियां तो इतनी बता नहीं सकते हैं, पर जो 1 से 5 की सुपुर्दगी दी गई थी तब हम और हमारे शिक्षा मित्र वहां पे एक टीचर थे। उसके बाद विगत 2 साल बाद हम अकेले शिक्षा में 2008 और 9 तक रहे। तो जब वो 2 साल का बीट बचा हमारे पास तो वो संभाला किसने? हम शिक्षा मित्रों ने, और वो भी 2। तो यहाँ कहने के बाद नहीं कि हमने बच्चों को क्या बना दिया सर, लेकिन 2001 से लेके 5 तक के बच्चों को जो भी व्यवस्था थी सरकार की, MDM देना,
बच्चों को पढ़ाना, यूनिफॉर्म देना, छात्रवृत्ति देनी, ये सब कार्यक्रम होते रहते थे। पर जब हमारी उपलब्धियां बढ़ती गई तो अकेला शिक्षक ही अकेला कुछ नहीं करा, हमने कभी ये कहा ही नहीं कि हमारे साथ हमारे शिक्षक संवर्ग जो है स्टाफ के वो हमारे साथ गलत करते हैं, वो हमारे सपोर्ट में रहते हैं। और वो जब बढ़ोतरियां शुरू, हम यही तो कहते हैं जब हम ज्यादा होते हैं, ज्यादा में रहते हैं तो हमें सफलता भी मिलती है और काम करने का मजा भी आता है। हम लोग भी अंदाजे में थे कि 2009 में ये हुआ कि 1,24,000 को मास्टर बनाने की अनुमति दी गई। अब क्या दी गई भगवान जाने सर, ये तो आप भी जानते हैं कि एनसीईआरटी ने जो भी अनुमति दी 1,24,000 को, तो कुछ तो करने के लिए ही दी होगी। उसके बाद पैग शुरू हो जाता है, तो सरकार का जो निर्णय था क्या था उस समय, इन्होंने बनाया मास्टर 1,24,000 की जगह, वहां भी हम पॉलिटिक्स के शिकार हुए, सब जानते हैं। मैंने सरकार का कोई कटाक्ष नहीं किया है, बिल्कुल 100% सही बात रखी। क्या बताइए, जो मेरी बच्ची आज बीए करके बीएड करना चाहती है, उसकी लड़ाई में और मेरी लड़ाई में कितना फर्क रहेगा ये आप बता दीजिए। क्या मैं उन बच्चों के साथ टेट पास कर सकती हूँ, मेरी पढ़ाई पूरी हो सकती, या तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूँ या तो अपने बच्चों की करूँ, दो में से तो एक ही करना होगा। और किसी के पास हम अपने बच्चों की सुविधा नहीं दे पा रहे, अपने बच्चों की पुस्तकें नहीं दे पा रहे, तो हम अपने अदर बच्चों को, फिर भी मैं कोशिश करती रहती हूँ, स्कूल में पूछती रहती हूँ बच्चे के पास पेंसिल है नहीं है, कॉपी है नहीं है, अगर पर्सनल तरीके से मेरा जो भी व्यवस्था बनता सर, कोशिश रहती है कि मैं उनके साथ एक अपनापन का संबंध बनाऊं। अभी भाई साहब ने कहा कि हमारे योगा प्रोग्राम, हमारे स्कूल में कल्चर एक्टिविटी होती रहती है, कभी मुख्यालय पे होती, कभी ब्यासी, पूरे ब्यासी क्या पूरे मुख्यालय पे हमारे ही स्कूल के सारे बच्चे क्या नाम है गाना प्रस्तुति किया, जो उसमें उन्होंने खुद गाना गाया, खुद ढोलक बजा और खुद डांस किया उसमें, मतलब ना ही साउंड की जरूरत पड़ी उन्हें और ना ही किसी की। तो ये सब कुछ करने के लिए हम शिक्षक संवर्ग ही है, अकेला नहीं, जब हम जितने लोग रहेंगे सामूहिक कार्य करेंगे तो उपलब्धियां भी बढ़ी और आवश्यकताओं को पूर्ति करने की कोशिश की। लेकिन उस उपलब्धियां में, उस आवश्यकता में शिक्षा में तो अनुदेशक मारे जा रहे हैं सर, क्योंकि हमारे पास फिर यही सवाल आता है आर्थिक परिस्थिति, हम आर्थिक परिस्थिति से जूझ रहे हैं। करने को तो हमें बहुत जज्बा अभी भी है, हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, कोशिश हमारी रहती है कि स्कूल जाए तो बच्चों को पढ़ाएं, टाइम से सब कुछ काम करें, करते हैं बच्चों को पढ़ाना, हाथ पकड़ कर लिखाना, बहुत कुछ काम किया है, उस काम को हम क्या बताएं। कोशिश तो हमारी रही है कि हमारा ही विद्यालय प्रथम रहे, पर सर आज हम टेट नहीं पास कर पाएंगे। अब 20 वर्ष पढ़ाने के बाद भी अगर टेट की जरूरत पड़ेगी तो फिर क्या मतलब रहा है, एक्सपीरियंस का क्या मतलब रहा? हाँ, एक्सपीरियंस का क्या मतलब रहा? वही कह रहे सर, क्योंकि सर 86 नंबर पा करके 85 नंबर 73 नंबर तक हम वापस आए हैं। एक सामान फिर मैंने कहा, आरक्षण का भी बहुत महत्व रखता है, हर जगह हम आरक्षण के मात खाते हैं पर हमें आरक्षण नहीं मिलता है। बताइए क्या किया जाए, अभी भी हमें कैसे परिश्रम करने होंगे, कितनी परीक्षाएं देने होंगी अपनी बात बताने के लिए कि हम काम करने में सक्षम हैं। सर बहुत थकान आती है, नेता के चक्कर में तो हम बर्बाद हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारे नेता, अपने नेता, इधर के नेता, उधर के नेता, उनमें कुछ ना कुछ तो परिस्थितियां हमारी नेताओं के कारण बनी है, पर हम सब क्या करें आम शिक्षा में। सर बहुत दुखती है, बार बार वो बात करने का जो मन में आता है बात ना, कभी कभी बहुत तकलीफ होती है, बयां नहीं कर सकते हैं, और ऐसे जगह पर हम बात करते हैं, नहीं चाहते कि ऐसी कुछ बातें हों कि जो किसी अगले को तकलीफ दे जाए। 10,000 की पीड़ा कोई नहीं समझेगा सर, बताइए एक दिन मानदेय आता है, महीने के 30 दिन होते हैं, और वो मानदेय अगर कितना भी वो शिक्षा मित्र बचाता होगा तो 2 दिन के बाद उसके कर्जे में, राशन वाले के यहाँ से कर्जा, दवाई वाले के यहाँ से कर्जा, फीस की कर्जे, मतलब ऐसे में उसके एक दिन का मानदेय, 30 दिन का मानदेय एक दिन में खर्च होता है, 333 रुपया शिक्षा मित्र कितने अपने बच्चों का भरण पोषण करे, उसके माँ बाप नाराज, उसका बीबी नाराज, उसके बच्चे नाराज,
हम परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। कुछ ऐसी युक्तियां निकालिए जिससे हमारा दुख का भी कष्ट जो हो रहा है हमें वो दुख दूर हो और हमारे समाधान हो। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कंचन जी। और मैं एक छोटा सा कमेंट फिर सुरेंद्र सर से लूंगा। सुरेंद्र सर, पीड़ा जरूर है, अब बात यहाँ आ जाती है, हम और आप कहते हैं इनसे कि अपने कुछ हुनर बताइए। अब हुनर के साथ जब पेट में हुक उठती है लास्ट स्टेज तो वहीं टिक जाती है। जिस तरीके से काम करने वाला कुम्हार उसकी निगाह चाक पर होती है, तो ये जो पीड़ित भूखे परेशान जेब में पैसे न होना, जब बाजार में हाट लगती है और उस समय देखते हैं कि फूलगोभी हम भी ले जाते हैं लेकिन जेब देख के कहते हैं कि ले जाना ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं होगा, तोरई आई है नहीं मार्केट में, हम भी सब्जी ले जाते, बच्चे कहते हैं नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि जो बात कंचन जी कह रही है वो बड़ी सटीक है। और जो अभी मेघराज कह रहे थे कि 10,000 रुपया 9,000 रुपया जो आता है महीने का राशन ले आओ, 5 आदमी का परिवार है तो 6,000 से 7,000 रुपया का राशन आता है, तो बचा क्या? महीने में तो बहुत खर्चे हैं, ऐसा कोई परिवार नहीं है कि 1,000 रुपया उसका एक बहुत मिनिमम खर्चा दवा का ना हो, जिसमें पैरासीटामोल है, आंख का आई ड्रॉप है, मतलब बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं, पेट में दर्द हो गया, किसी का लूज मोशन हो गया, 1,000 रुपया मिनिमम प्रत्येक परिवार की मंथली दवा मिनिमम है। उसके बाद परिवार में अन्य भी खर्चे हैं, हो सकता है कोई रिश्तेदार के यहाँ से कोई प्रोग्राम आ जाए, किसी के यहाँ जाना पड़ जाए, फिर उसके साथ साथ खुद भी तो स्कूल जाना है, कपड़े भी धुले पहनने हैं, शिक्षक हो तो घटिया कपड़े वस्त्र पहन के भी नहीं जा सकते, मैले कुचले भी नहीं जा सकते, समाज की निगाह है, उसके लिए भी साफ सुथरा रहना है। समस्या एक नहीं है, समस्या की फेरिस्त लंबी है, वेतन के पैसे कम है, जिए तो जिए कैसे, जिए तो जिए कैसे बिना आपके। अब यहां पैसा आता नहीं, यहां पैसा है बिना आपके, तो बिना आपके जिए कैसे, पैसा आ नहीं रहा। साथ ही साथ एक और विडंबना हो गई कि पहले 11 महीने वेतन आता था, एक बार सर्विस ब्रेक होती थी, अब सर्विस 2 बार ब्रेक होने लगी, 6 महीने 6 महीने। ब्रेक करने वालों ने यह भी नहीं सोचा चलिए सर्विस 2 बार ब्रेक कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 15 दिन का वेतन दे दीजिए, 11 माह 15 दिन का दे दीजिए। इतनी अगर सरकार की बचत कराने वाले अधिकारी पैदा हो जाए तो इस प्रदेश के विकास को रोकेगा कौन? लेकिन जब भी नुकसान होता है तो गरीब का होता है, अमीर का कम होता है, जितनी इनकी तनख्वाह बनती है उतना बड़ी बड़ी फर्मों पर टैक्स का पैसा बकाया होगा जो 1 वर्ष का वेतन होगा, और उस टैक्स के पैसे को नहीं वसूला जा रहा होगा, लेकिन इन गरीबों का 15 दिन का वेतन जरूर रोका जा रहा है। सुरेंद्र सर और बॉयस, हम लोन किट दाखिल कराई थी, उसमें जब केंद्र सरकार बता कि 60% पैसा हम देते हैं और वो कई साल का जमा है जिसको सरकार तो पैसा है, और दूसरी बात ये कि अगर पैसा नहीं तो बंद करिए स्कूल, क्यों नाटक है, उसके जेब में हिम्मत होगी और पढ़ाएगा अपने जहाँ पढ़ाना, तो आपको वाहवाही लूटने तो स्कूल चलने चाहिए, वोट लेना है तो चाहिए, लेकिन अगर पैसा मिलना है तो लोगों की तरफ कोई बात नहीं। अभी आपने बताइए तो मुझे अचानक ये समझ में आया कि इतने कम पैसे में कैसे ये घर परिवार चला रहे हैं, ये भी एक हुनर की ही बात है, नहीं तो लोग इससे जो ज्यादा कई गुना कमाते वो भी नहीं चला पाते। लेकिन मुझे लगता है कि मैं फिर एक बार वही अपील करूंगा, अब ये लोग जुड़ने लग गए हैं कि जो लाइव जुड़ने की संख्या है इसको बढ़ाइए लगातार, इसको इतना बढ़ाइए कि सरकार को लगने लग जाए कि नहीं हमारी बात सुनी जाएगी, इनकी बात सुननी पड़ेगी। ऐसा आंदोलन का कोई फायदा नहीं, जैसे मैं एक मिनट आपको बता दूं, कल ही जो बिजली आंदोलन समाप्त हुआ तो उसका जो पूरे डिटेल नहीं थे, आज अखबार में पढ़ा
कि बगैर किसी कुछ प्राप्त किए आंदोलन समाप्त हो गया, तो भाई क्यों आंदोलन किया आपने? पूरे प्रदेश को आपने कोर्ट ने आदेश किया जितनी एफआईआर हुई है सबको गिरफ्तार किया जाए, और जो लॉस हुआ है 20 करोड़ का, सरकार ने वहां बताया कोर्ट में कि इस दौरान 20 करोड़ का नुकसान हो गया, तो कहा इनकी सबकी तनख्वाहों के 20 करोड़ रुपए जमा कराया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी कहा शाम 5-4 बजे। अच्छा हाँ, तो हम देख नहीं पा। अब आप ये समझिए, तो कल जो राय साहब थे अपने ठीक कह रहे थे कि क्या होगा, ये मैंने भी कहा था कि आंदोलन इन शर्तों पर समाप्त हो जाता है कि आप जो लोग निकाले गए नौकरी से उनको रख लीजिए और मुकदमे हुए वापस ले लेंगे, जबकि हाई कोर्ट ने की नई व्यवस्था करी, अभी मैंने देखा नहीं था। तो इसीलिए कहता हूं, जो सबसे सुंदर और सरल, कोई भी कोर्ट ये न कहेगी कि शिवकुमार मिश्रा के प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी बात मत कहो, वरना आपको उठाक बंद कर दिया जाए, क्योंकि हम किसी का डायरेक्ट नुकसान ही नहीं कर रहे, हम कोई मतलब हड़ताल भी नहीं कर रहे, हम किसी की बिजली भी नहीं काट रहे, हम ये भी नहीं कह रहे कि बच्चों पढ़ाने नहीं जाएंगे, ये भी नहीं कह रहे कि उनका जो मिड डे मील बचेगा उसको हम खुद खा जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी बदल गई उसका फायदा उठाते हुए आप अधिक से अधिक लोग ऑनलाइन जुड़िए, आपको बहुत जल्दी इसका असर मिलेगा, और जब आपको लड़ना है तो भाई संघर्ष तो करते रहना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। जी नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और उसका सीधा सवाल है, अगर 20,000 से ऊपर लोग लाइव प्रोग्राम देखेंगे तो कई राजनीतिक दल के लोग अपने आप कहेंगे कि मुझे बुलाइए इस प्रोग्राम में, और सरकार का पक्ष ये कहेगा कि वहां जाइए रखिए, 30,000 लोग लाइव देखते हैं, 30,000 लोगों में गलत मैसेज चला गया कि सरकार शिक्षा मित्र को और निदेशक को क्यों नहीं सैलरी दे रही है, तो समझाएगा कौन इसे? और मैं ये लगातार कह रहा हूं। जी योगेंद्र जी, माइक खोलिए, पहले आपका माइक बंद है, माइक खोलिए। जी धन्यवाद मिश्रा जी, पुनः मौका देने के लिए। अभी हमारे सम्मानीय दुबे जी ने एक बात रखी थी, बहुत अच्छी बात है, हम उनका उनकी बात का अनुसरण करेंगे और उनके सुझाव को बिल्कुल पूरी तरह से पालन का, निर्देशों का पालन करेंगे, कि हमें निश्चित तौर पर एक ही बात नहीं रखनी है कि केवल पीड़ा है, बाकी हमें अपने हमारा क्या हुनर है, हमारी क्या विशेषताएं, हम क्या स्पेशल कर रहे हैं वो भी हमें बतानी होगी। तो उसी में हम एक दो चीजें रखना चाहेंगे, एक तो अपना हमने क्या अलग से कुछ किया है, एक वाक्य है वो भी बताना चाहेंगे, दूसरे एक हमारा हम एक अपना सुझाव रखना चाहेंगे। का है सर, हमारे विद्यालय में एक रसोईया है गिरिजा देवी, उनका एक बच्चा था हरपाल कुशवाहा, वो विद्यालय में पढ़ने नहीं आता था, जबकि उसकी माँ बच्ची थी एमडीएम में रसोईया है, आज भी वो है बराबर। हम लोगों ने कोशिश की, हमारे जो हेड टीचर थे मिश्रा जी थे, अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं, उस समय की बात है 2004 में, वो 2003 में उसका एडमिशन हुआ था, लेकिन वो एक साल से नहीं आ रहा था, कम तो वैसे कभी बीच में आ जाता था, उसका कोई मन नहीं था। हमने वहां पे प्रयास किया कि निश्चित तौर पे स्कूल आना चाहिए, और कोशिश की, उसका परिणाम सर ये हुआ कि वो बच्चा रेगुलर स्कूल आने लगा, और रेगुलर आने के बाद उसने अपना पूरा पढ़ाई में मन लगाया। आज आपको मैं बताऊं, सभी हमारे जो सम्मानित सदस्य जुड़े हैं, कि मैं 20 साल से हूं, मैंने 2013-14 का टेट पास किया, 17 में किया, 18 का किया, आज वो बच्चा हरपाल कुशवाहा, उसका मैं नाम भी स्पष्ट लेना चाहता हूं, हरपाल कुशवाहा, वो आज हमारे समकक्ष योग्यता धारण कर चुका है, ग्रेजुएट हुआ बीटीसी की, इसके बाद वो टेट पास करके आज हमारे बराबर है सर। मैं बिल्कुल वाई नेम बता रहा हूं, अगर किसी को ये आंकड़ा अगर ये गलत लगे तो वो उसका मिलान कर सकता है, कोई भी अधिकारी इसको मिलान करना चाहे, हमारे रसोईये का लड़का है हरपाल कुशवाहा, वो बीटीसी करके टेट करके आज हमारे समकक्ष। तो हमें इस बात की खुशी होती है, भला है हमारे साथ क्या हुआ, क्या परिस्थिति हुई, लेकिन हमारा पढ़ा हुआ बच्चा आज हमारे समकक्ष पहुंच चुका है, तो हमें बहुत ही संतुष्टि मिलती है, बहुत ही अपने आप में खुशी मिलती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और चूंकि अब समय हो चुका है, एक सेकंड जी सर, एक अनुरोध सरकार से और सरकार में बैठे हुए अधिकारियों से, मंत्रियों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि बार बार ये मुद्दा आता है शिक्षा में तंदेशक और जो भी हमारे संविदा कर्मी हैं, सरकार से सभी से अपील है,
कि एक संविदा नीति का निर्माण हो उत्तर प्रदेश में, जिससे कि ये शोषण जो संविदा कर्मियों का होता है वो शोषण बंद हो। उस संविदा नीति में हर वर्ष मानदेय वृद्धि की बात हो, कितने समय अंतराल के बाद उसको आप रेगुलाइज करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो संविदा पर भर्ती होगा उसको अपने भविष्य की चिंता नहीं रहेगी। अगर उसको आना होगा तो वो संविदा में आएगा, उसको पता होगा कि हमारा 2-5 साल में 10 साल में 15 साल में हमें रेगुलाइज किया जाएगा। तो जो अनिश्चित स्थिति रहती है कि लोगों को भय रहता है कि संविदा में हमारा पूरा जीवन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अगर 100 रुपया साल भी बढ़ाया होता तो 2000 रुपया तो आपका बढ़ जाता और 1000 रुपया बढ़ जाता है। मिनिमम 500 रुपया साल बढ़ाया होता जो होली पे दीपावली पर सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, वो अलाउंस भत्ता आपको भी दिया जाता, 500 रुपया प्रति साल दिया जाता, तो 10,000 आपका बढ़ जाता, 15,000 हो जाता, 20,000 हो जाता और 5,000 रुपया अनुदेशक का बढ़ जाता, इनका भी 15,000 होता ना, ये 17,000 के लिए कोर्ट जाते, सबका अपना अपना काम चल रहा होता। मेरा सबसे बस अनुरोध और अपील ये है कि आइए इस लड़ाई में सब एकजुट होकर लड़े। मैं आपसे वादा करता हूं फिर जिस दिन लाइव की संख्या 20,000 क्रॉस होगी, राजनीतिक दल बहुत होशियार होते हैं, उन्हें लगता है यहाँ भीड़ है, यहाँ हम अपनी बात कहेंगे तभी समझ पाएंगे। सैकड़ों राजनेता ये कहेंगे चलिए इस प्रोग्राम में हम भी जुड़ते हैं, कैसे ही तो हमारी भी बात रखने का हमें मौका मिले। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जो लोग आज जवाब देने को राजी नहीं होते वो आके जगह आप जवाब देंगे, कहेंगे कि मैं आऊंगा और अपनी बात रखूंगा, मैं सरकार तक बात पहुंचाऊंगा। ऐसे ढेरों लोग आएंगे, लोग बताएंगे अब तक क्यों देरियां रही, लेकिन तय आपको करना है। मैं लगातार आपसे कह रहा हूं, मैं रोज नए लोगों से संपर्क करके कहता हूं कि प्रत्येक जिले से आप 500-500 लोग जोड़ने का पहले बीड़ा उठाइए, बाद में वो बीड़ा अपने आप तब्दील हो जाएगा जब आपको अपना बेनिफिट होता दिखेगा, और बेनिफिट 100% होगा। लड़ाई आपकी है, हमने लड़ने के लिए एक सिस्टम दे दिया है और मैं लगातार इसी सब पर हूं कि ये लड़ाई हम सरकार से ना लड़के हम सिर्फ लड़ रहे हैं कि हम ये करते हैं और हमें वेतन ये मिलता है। आपको मालूम है ये प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान चलाया जाता है, जिसके माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा मित्र भर्ती हुए हैं। ये मामला जब उच्च स्तरीय पहुंचा, जिस दिन आपने वायरल करके, जिस दिन 1,00,000 लोग लाइव जुड़ गए, पता नहीं इस सिस्टम को वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक कौन कौन देखेगा और वो पूछेगा कि हम तो पैसा आपको देते थे 1,000 रुपया, आप उसमें से 10 रुपया क्यों खर्च करते हो। हम आपको कितनी बातें लाइव में बताएं, कितना समझाएं, मांगिए मत, ईमानदारी तरीके से छीन लीजिए, आइए मिलकर। अगर हमारे साथ आज 10 लोग जुड़े हैं, 10 लोग अगर 100 लोगों से संपर्क करते हो, कल ये जो आज संख्या 700-800 की है, ये 2500 होगी, 3000 होगी, और 3000 लोग 10-10 लोग जोड़ दीजिए, 30,000 लोग हो जाते हैं, 100-100 लोग जोड़ दीजिए, कहां संख्या पहुंचेगी। मैं सबसे और जो भी शिक्षा मित्र जुड़ना चाहता है, मेरा नंबर मेरे पेज पर पड़ा हुआ है, मुझे मैसेज कर सकता है, अपने साथियों से बात कर सकता है, और उसी के साथ जो भी अनुदेशक जुड़ना चाहता है, किसी को कोई मौका नहीं देता, आप मुझसे सीधे संपर्क करिए, 1-2 दिन में हम आपको बुलाएंगे। अच्छे शिक्षा मित्र और अनुदेशक को बहुत जरूरत है इस समय, आइए समाज को बदलने के लिए। हम तो चाहते हैं कि मैं इन 2,00,000 परिवारों के घर में कैसे दीपक रोशन कर पाऊं, इनके घर में भोजन की व्यवस्था कैसे जुटा पाऊं, मैं अपने जीवन का सबसे अमूल्य कार्य कर लूंगा, और इसी के लिए आप सबके बीच आया हूं, आप सबसे रोज बात करता हूं, रोज आपकी बात सुनता हूं। मेरा इशू सिर्फ इतना है कि आपको न्याय कैसे मिले। जी जल्दी बोलिए मेघराज सोनी जी, समय हो चुका है। सर हम ये कहना चाहते हैं कि महाराज जी हम लोगों के लिए अच्छा कुछ कर दे तो निपुण भारत हम बनाने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं, और हम जो भी वर्क करते हैं बच्चों के माध्यम से, तो यानी कोई वर्ग हम आपको वीडियो भी भेजते हैं, ये क्राफ्ट का काम है, हम बच्चों को सिखाते रहते हैं, और एक हमारे पास एक पेंटिंग भी रखी हुई है सर बच्चों को, कोई यानी कहने का मतलब ये नहीं है कि हम काम नहीं करते हैं, काम बहुत अच्छा करते हैं, बच्चों को ये चाहते हैं, बच्चे कहीं कहीं निराश हो जाते हैं तो हम अपने बजट से उनको व्यवस्था करते हैं, कहाँ से करेंगे कैसे करेंगे, बच्चों को ये ना लगे कि सर इतना पाते हैं, उनको हम बनाने के लिए बहुत हैं, एक बार हम लोगों का सहयोग महाराज जी कर दे और निपुण भारत बहुत अच्छा कराएंगे। बिल्कुल, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, इसी के साथ कल फिर हाजिर रहेंगे, देखते हैं कल कितने लोग हमारे साथ देंगे, आप सब जिम्मेदार लोग हैं, सब साथ देंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तभी जीत होगी। नमस्कार।